दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने एंड्रॉयड फोन को सिस्टम अपडेट कर सकते हैं और सिस्टम अपडेट करने के बाद आपको कौन कौन से न्यू फीचर्स मिलने वाली है। इन सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूं। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज के यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज के यहां वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों को अपने एंड्रॉयड फोन को अपडेट करने नहीं आता तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने एंड्रॉयड फोन को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों अपडेट करने से फायदा ये होता है कि आपके जो मोबाइल है, आपके जो एंड्रॉयड फोन है, उसमें आपको नया नया फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है सिस्टम अपडेट। यहाँ एक ऑप्शन होगा, आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होगा सिस्टम अपडेट करके, तो आपको उस सिस्टम अपडेट को सर्च कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर सिस्टम अपडेट को सर्च करने के बाद आपको सिस्टम अपडेट पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों हम अपने मोबाइल में सिस्टम अपडेट को क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने सिस्टम अपडेट को क्लिक कर लिया है। यहाँ पर मुझे अपडेट मांग रहा है और जो अपडेट वर्जन है वो है वीवो RV 6.19.3। ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये उस वर्जन का नाम है। दोस्तों इसकी जो साइज है वो है 3.56 GB, अर्थात ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत बड़े साइज का सॉफ्टवेयर है जिसको मुझे अपडेट करने के लिए लगभग 3.56 GB चाहिए। दोस्तों अभी मेरे पास इस मोबाइल के अंदर जो डाटा है वो इतना अवेलेबल नहीं है, तो मैं आप लोगों को इसको अपडेट करके नहीं बताऊंगा। अगर दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को अपडेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में डाटा को चेक कर लीजिए। अगर आपके पास डाटा है, उतना सारा डाटा है, उतना MB है, तो आप अपने मोबाइल को ज़रूर अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अपडेट होते टाइम आप डाटा में किसी भी प्रकार का छेड़खानी नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पर मैं अपने मोबाइल को अपडेट नहीं करूँगा, रीज़न ये है कि मेरे पास अभी इतना डाटा अवेलेबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगर मैं इसको अपडेट कर लेता हूं तो मुझे कौन कौन से फंक्शन मिलने वाले हैं। यहां पर आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, रिकमेंडेड, डायनेमिक इफेक्ट, जोवी, कंपास, कैलकुलेटर, कासंस, ये सारे फीचर्स मुझे अपडेट करने के पश्चात मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आप अपने एंड्रॉयड फोन को अपडेट करना चाहते हैं तो नीचे पर आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और जब सिस्टम अपडेट होते रहता है उस टाइम आपको फ़ोन में किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपके जो फ़ोन है उसमें किसी भी बटन को प्रेस नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम कितने आसान तरीके से अपने एंड्रॉयड फ़ोन को सिस्टम अपडेट कर सकते हैं, उसमें न्यू फीचर्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।